हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आकर एनटीए टाइप कर लेना और इसको सर्च कर लेना है। देन एनटीए की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है। सो हमारे एग्जाम यूजीसी नेट है, तो हम यूजीसी नेट सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना पेपर सेलेक्ट करना है। तो हमारा पेपर एंथ्रोपोलॉजी है, तो हम एंथ्रोपोलॉजी स्क्रॉल करके चेक करेंगे। सो ये एंथ्रोपोलॉजी है, हम इसको अब हम यहाँ पर स्टार्ट मॉक टेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर वैसा ही इंटरफेस खुल जाएगा जैसे आपके फाइनल एग्जाम में होता है। सो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनको ये कन्फ्यूजन है या फिर डर होगा कि हम कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। सो मेन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालना होता है, बट यहाँ पर कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और इस चेकबॉक्स पर चेक करना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपको 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर आप इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, आप यहाँ से अपना टाइम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनको ये आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होता है और थोड़ा नर्वसनेस होती है, सो उनको भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा और इसका एग्जाम्पल सेकेंड है, तो आपको यहाँ पर सेकेंड पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का मान लीजिए आंसर, यहाँ पर अगर आपका आंसर बी थर्ड है तो आपको यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए कि इसको आपको बाद में रिव्यू करना है, तो आप यहाँ पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं और बाद में इस क्वेश्चन को आकर फिर से देख सकते हैं। ओके, सो ऐसे आप एग्जाम को दे सकते हैं। सो ये है पूरा सीबीटी एग्जाम का पैटर्न कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आप मॉक टेस्ट के जरिए ये चीज़ आसानी से सीख सकते हैं, जिससे फाइनल एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।